एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और अभी हो रहा है ब्रेकफास्ट और टाइम पता क्या हो रहा है? 3 o'clock। और अब जाके उठे हैं हम। जोमेटो से मंगवाया हमने परांठे, अब मंगवा रहे हैं परांठे और चलदी बना रही है चाय। और आज मेरा प्लान हो गया कैंसिल जाने का। जाना तो था पर नींद पूरी नहीं हुई थी और नींद पूरी कर रहे थे हम लोग, आराम से सोए हुए थे दोनों के दोनों। और अभी हमने परांठे मंगवाए, फिर देखते कि क्या खाने। परांठे खाने का बहुत मन कर रहा था। जब परांठे आ गए तब मैं बोलती दीदी को कि मुझे मैक्रोनी खानी थी। दीदी बोलती अच्छा, जब मैं पहले पूछ रही थी तब तो बनाई नहीं, तब तो बोला नहीं तूने। फिर अब देखते हैं, चाय बना रही है दीदी, उसके बाद चलते हैं कहीं घूमने फिरने। और आपको भी आज का ब्लॉग यहीं से शुरू करते हैं। बहुत ज़्यादा लेट कर रही हूँ मैं ब्लॉग शुरू, बट सो क्या हो गया। मैं पहले इसकी अनबॉक्सिंग करती हूँ जोमेटो की, क्योंकि शिमला में तो चलता नहीं है जोमेटो। चलता भी है पर वहाँ पे वो नहीं आती है, डिलीवरी नहीं आती है। जोमेटो का खाना इसको ओपन करते हैं। लेट्स ओपन। एक में मंगवाया मिक्स परांठा और एक है आलू का परांठा। वाह, चटनी भी देते हैं वो लोग। चटनी भी है दीदी? चटनी भी है? कॉली लानी पड़ेगी फिर तो आपको। और चटनी भी दी है, वाओ नाइस। अरे हमने वो भी तो रखा हुआ था फ्रिज में। वाओ बहुत गर्म है पर परांठे भाई, देखो गर्मा गर्म परांठे खा लो गाइस। ये खाया अभी हमने ब्रेकफास्ट में। ओके, चाय और धूप भी आ रही है, अब निकली है धूप। क्योंकि सुबह तो मौसम खराब था। मैं टेस्ट करके बताती हूँ, मजा आ गया। कौन से रेस्टोरेंट से मंगवाया? इतनी अच्छी चटनी दी है, मिर्ची वाली भी है और दही वाली भी है। मैंने परांठा कॉर्नर से मंगवाया। परांठा कॉर्नर। जल्दी कर रही है काम और मुझे बैठा कर रखा है इस लड़की ने, काम में लगी हुई है। अगर गए ना तो बताऊंगा उधर। और यहाँ हूँ मैं, लाइट्स अच्छी नहीं आ रही, बाद में मिलती हूँ आपसे। अब बारी है मेरा फेवरेट पार्ट, मेकअप करने के और स्किन केयर करने के। पहले स्किन केयर करूँगी उसके बाद करूँगी मेकअप। ओह यस, अब हम हो चुके हैं रेडी मूवी जाने के लिए। यहाँ हूँ मैं और ये है मेरा आउटफिट जो मांगा हुआ है, उधार पे लिया है मैंने दिहाड़ी पे शेल्फ से। ओके तो चलो चलते हैं। ये दीदी है, ये है मेरा पूरा का पूरा आउटफिट। लाइक थोड़ा सा बोहो स्टाइल में मैंने इसको वो किया है। और चलो अब चलते हैं। सब निकल चुके हैं। हम लोग पहुंच चुके हैं मूवी देखने के लिए। जाने की बारी है, चलो चलते हैं। सो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं मूवी देखने के लिए। ओके, पार्टनर, मेरी लाइफ पार्टनर। लाइफ पार्टनर तो है नहीं, कोई नहीं, कोई बात नहीं, मूवी पार्टनर ही मिल जाए भाई, काफी है ना दी। ठीक है, सेल्फी बाद में लेते हैं, पहले मूवी देख लेते हैं। इधर आ दीदी, सेल्फी दीदी। कर कुछ, कर कुछ। सो लेट्स गो। कोई भी नहीं इधर तो। शायद कोई भी नहीं इधर तो। आज तो मुझे ऐसा लग रहा है पूरा थिएटर ही बुक करवा लिया हमने। कोई भी नहीं था, सिर्फ एक पूरी की पूरी फैमिली थी और एक कपल थे और कोई भी नहीं था यहाँ पे मूवी देखने के लिए आया हुआ। और मूवी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। मैं तो चाहती हूँ कि आप भी जाएं, आपको अपने पेरेंट्स की कदर होगी इस मूवी को देखने के बाद। तेरी इंग्लिश तो बड़ी गुड है। हाँ, मैं कॉन्वेंट तो पढ़ लिया। ओ बल्ले। अच्छा मैंने गल दस ज्योति, अगर तू एक चंगे इंसान बनना चाहनी है, कैन यू डू मी अ फेवर? हाँ बिल्कुल जरूर। ज्योति एक्चुअली ना मेरे दांत च बड़ी प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने ना मैंने मना किया है कि मैं ठंडा नहीं खा सकता। एंड यू नो व्हाट, आइसक्रीम मेरी फेवरेट है। हुन खरीद तो सकता वा पर खा नहीं ना सकता। की तू मेरे बिहाफ दे उत्ते वो आइसक्रीम खा सकती है? हाँ ज्योति, तू आप ही तो मैंने कहा सीगा कि तू एक चंगे इंसान बनना चाहनी है, सो एनक ता तू मेरे लिए कर ही सकती है ना। थैंक यू। चल बाहर चला, ये लड़की मेरे को तैयार नहीं है यहाँ से। फोन में घुसी हुई है बस, मूवी भी नहीं देखी, फोन चला रही थी।
इंसान को टैग करो जो मूवी में भी कुछ भी कर रहा हूँ, बस उसको फोन 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 छोड़ दे इसको। अरे मेरे कान का होगा वो, मुझे देखना नहीं है, इतनी सारी फोटो देख ली दिखा नहीं उसमें, देखिए कान का गुम हो गया। बस मेरे घर वाले ना देखिए मेरे को मारेंगे। चल इसको इसको जल्दी बहुत होती है हर चीज की, लगी हुई तो इतनी अच्छी लग रही है ना आज। कई बारी पुत्र कृपा करके बख्श ले हो, बख्श ले हो, बख्श ले हो। लास्ट तक तो मूवी तक आते आते मतलब सीरियसली मैं रो गई थी, क्योंकि इतनी दिल को छू देने वाली मूवी थी। और थैंक यू बोलना चाहती हूँ मैं शैलजा दीदी का, जिन्होंने रिकमेंड की मुझे कि चल ये मूवी देखने चलते हैं। इतनी बड़ी सीख दी ना मुझे इस मूवी ने, और आपको भी ज़रूर देखनी चाहिए, प्लीज़ जाके देखिए। मूवी का नाम है अरदास, बहुत अच्छी मूवी थी और आपको भी देखनी चाहिए। आप मुझे बताना किस किस ने देखी। अरदास है मूवी का नाम, और बहुत अच्छा लगा हम दोनों को मूवी देख के। मैं और शैलजा दीदी है, और कौन हो सकता है हमारे साथ, कोई भी नहीं। तो हम जा रहे हैं घर वापस, और मूवी बहुत अच्छी थी। अरे बस और तो कुछ नहीं, और कोई भी नहीं था, फैमिली वाले आए थे देखने के लिए सब के सब, और मूवी बहुत ज़्यादा अच्छी थी सीरियसली में। तो चलो चलते हैं, तब मैं आपसे मिलती हूँ घर जाके, यहाँ पर लाइट्स नहीं अच्छे से। तो अभी अभी जस्ट हम लोग पहुँचे हैं, और मूवी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। अभी जस्ट हम पहुँचे और मैंने चेंज किया, और अब विशाल ज़्यादा इतनी चेंज भी नहीं किया है। अब बनाएंगे खाना, खाना बनाने की तैयारी होगी। और ये बाहर वाला रूम है, इसके अंदर किचन है, और मैं आपको दिखाऊंगी, अभी दिखा दूंगी इसी वीडियो में कि कैसे करके, और किचन मैं दिखाती हूँ आपको बाद में। अभी हम खाना बनाएंगे। मूवी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, अरदास मूवी थी, और इतने अच्छे से उसमें मतलब इतना अच्छा उसका वो था कि कैसे किस तरीके से मतलब लड़के लड़के हम बोलते कि हाँ हमें लड़का चाहिए लड़का चाहिए, और किस तरीके से पेरेंट्स को टाइम नहीं दे पाते, पेरेंट्स बच्चों को नहीं समझ पाते। तो वो मूवी बहुत ज़्यादा अच्छी है, और आपको ज़रूर देखनी चाहिए जाके। ओके अब खाना बना लेते हैं, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। अब बारी है खाना बनाने की, मैं और शैलजा दीदी खाना बना रहे हैं। शैलजा दीदी तड़का लगाएगी और मैं आटा गूंथ दूँगी। ओके गून दिया है और तड़का भी लग चुका है। हम बना रहे हैं आलू जो हमने सुबह उबाले थे परांठे बनाने के लिए, पर परांठे नहीं बने हमारे, और ये आटा भी मैंने गून दिया है। पानी पी लिया हमने, पॉपकॉर्न खाया, और प्यास लग गई मुझे, बहुत ज़्यादा भूख लगी है। और शैलजा दीदी ने बनाए हैं आलू की सब्ज़ी, ये जो हमने सुबह के भिगोए थे यहाँ पे, भिगोए थे उबाले थे जो आलू वो, और मैंने बनाई है चपातियाँ। ठीक है चलो, हाँ हम खाना खा रही है सोने की, और बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, क्योंकि मॉर्निंग में मुझे जल्दी उठना है और जल्दी निकलना है। तो जो मैंने बाहर डाले कपड़े उनको भी निकाल लेती हूँ, और जो मैंने पैकिंग करनी है वो भी कर लेती हूँ। अभी ही करना पड़ेगा मुझे सब कुछ, सबसे पहले सुबह ही उठाऊँ तो सबसे पहले मैं फेस क्लीन कर लेती हूँ। शायद जल्दी पड़ गई है पुट्टी, और मैं आऊँ और यहाँ नींदू है, अब हम सो जाएंगे सिर्फ। और अभी मैं आपको क्विक बता देती हूँ रूम कहाँ सोई हूँ मैं। सो ये है रूम, यहाँ सोई हूँ मैं अभी, ये है अंदर वाला रूम। ठीक है अब मेरे से उठा नहीं जा रहा, मैं अंदर नहीं दिखा सकती। ये वॉशरूम अंदर वाले रूम में, ये वॉशरूम में ये वाला, और इससे हमने अभी एंट्री ली, ये वाला रूम था बाहर वाला। ओके तो मैं अभी आपको वॉशरूम दिखाती हूँ। वॉशरूम भी काफ़ी बड़ा है, और जब मैंने देखा तो मुझे ऐसा लगा कि वाओ माय गॉड इतनी फैसिलिटीज। तो मैं आपको दिखाती हूँ ना, ये हाँ ये पुराने घरों में होता था ये, क्योंकि और ये ऐसी सेल्फ्स भी पुराने घर में होती थी, ये वाली सेल्फ्स बहुत पुराने में है। और ये देखो ये यहाँ पे सच में दीदी बोल रही है ये तब का जब तक हम जब हम पैदा भी नहीं हुए, और ये वॉशरूम है जो अभी बहुत अंधेरे वाला है। ये वॉशरूम है काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ा है, और यहाँ से बाहर कपड़े डालने के लिए भी है। यहाँ मैं यहाँ से बाहर कपड़े डालने के रह गई है, बट बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, और अभी नहीं जाऊँगी मैं बाहर। ओके यहाँ पर प्रोडक्ट्स रखे हैं सारे सारे, और अभी यहाँ से अंदर आए हम, यहाँ पे कूलर चल रहा है। आ रही है सोने की, बंद कर इसको, कॉपीराइट आ जाएगा, बंद कर इसको। दीदी गुड नाइट,
अब बारी है सोने की और ये लाइट्स जलती रहती है सारी रात, एक ये वाले और एक पूजा वाले घर की लाइट। तो अब चलो सो जाते हैं, मैंने स्किन केयर भी कर लिया, ऑल थिंग्स आर डन। अब मैं आपको दिखा नहीं सकती खुद को क्योंकि लाइट्स ऑफ हो चुकी है और मैं दिख नहीं रही। शायद दीदी मेरी तरफ से बाय बोल देगी सबको। बाय दीदी, बाय, गुड नाइट, स्टे हेल्दी एंड बाय, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स, स्वीट ड्रीम्स।